नाम है मैडम अजय शर्मा, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भोपाल से हूं मैं और laluram.com से हूं। जी तो मैडम ये पूरा इंसिडेंट है क्या, ये कितने सालों से चल रहा था, कैसे क्या शादी हुई, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। जी जी मेरी शादी के लिए रिश्ता आया था 2015 में जी और मेरी शादी हुई है 2016 में। जी हाँ जी। और ये रिश्ता जब आया तो मेरी फैमिली से भी बोला गया कि वहां से बोल रहे हैं तो एक बार मिल लो। तो मैं इनसे मिलने गई और इनकी बड़ी, इनके ताऊजी की बेटी है जो फलित है, वो भी आए थे मिलने के लिए। और मैं अपने भाई के साथ मिलने के लिए गई, वहाँ बातचीत हुई। और बातचीत होने के बाद मैंने इनकी सिस्टर को मैसेज किया कि आप अपने भाई का नंबर दीजिए। इनसे मेरी बात होना स्टार्ट हुई और मैंने इनसे बोला कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। इन्होंने बोला मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं नहीं करना चाहती, ना आपसे ना किसी से भी नहीं, आप प्लीज अपने फैमिली में कन्वे करिए, मेरा साफ मना है। क्योंकि मैं इनका रिकॉर्ड सब देख चुकी थी, सारे केसेस वगैरह मैंने देखे थे। मतलब इतना तो मुझे नहीं पता था, बस इतना था कि ये पर्सनैलिटी तो मैं नहीं कर सकती। ये पर्सनालिटी की जो बात है वो कैसे हुई थी, आपने कैसे चीजों को मार्क किया, आपने सोशल मीडिया के थ्रू मार्क किया, या ये कहाँ पे हुआ था सब, मतलब कैसे आपके कांटेक्ट में आए? क्योंकि जब मैंने गूगल में जब इनको सर्च किया, तो मैंने ताऊजी को सर्च किया गूगल में, इनको किया, तो खाली एक या दो न्यूज मैंने जब जहाँ देखे, जब इनके क्राइम रिकॉर्ड्स थे, तो जी एक या दो न्यूज को देखकर ही मुझे समझ आया कि नहीं, ये ठीक नहीं है मेरे लिए। तो मैंने मना किया कि सॉरी मैं नहीं कर सकती, पर ये मैंने उनको रीजन नहीं दिया था, बस मैंने बोला मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो ये कैसे हुआ, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद फिर शादी के लिए कौन, आपके घर से भी दबाव रहा होगा जब आप तैयार नहीं थे, तो आपके पेरेंट्स ने भी आप पे दबाव बनाया होगा? नहीं, उन्होंने कभी दबाव नहीं बनाया। मैं जैसे ही शादी पास आती गई, इनका मेरे को हर चीज से प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। मेरा उठने बैठने से सारी चीजें, मेरे मार्केट जाने से 10 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, मेरे को ड्राइवर, मेरे ड्राइवर को कांटेक्ट करना, हर तरीके से प्रेशराइज करना कि आप ये ड्रेस पहनोगे, आप फुल फुल ड्रेस पहनेंगे, आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं कहीं भी नॉर्मली जाऊँ, इनके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाए, आज तो वो यहाँ देखे वहां देखे, अगर इनको पता चला तो बहुत ज्यादा हाइपर होते थे कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी किससे शादी हो रही है और कहाँ हो रही है। नीतू जी, सवाल एक ये है सबसे बड़ा, जब आपने पहली मर्तबा इनको देख लिया था, इनका क्राइम रिपोर्ट चेक कर लिया था, कई मामले थे, तो उन सबके बीच में ऐसी क्या बात रही कि आप शादी के लिए तैयार हो गई? सवाल ये है कि शादी के पहले तो आपके ऊपर दबाव रहा, लेकिन जबरदस्ती रही क्या, कि जबरदस्ती है? हेलो, ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि जब मैंने ये रिश्ते के लिए मना किया, उसके नेक्स्ट डे जब फलित ने मेरे को, इनके ताऊजी की जो बेटी है, ताऊजी कौन? प्रहलाद पटेल जी, जी उनकी बड़ी बेटी है, उन्होंने मेरे को मैसेज करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला मैं एज अ भाभी नहीं, एज अ फ्रेंड बात करना चाहती हूँ। उन्होंने घर के सारे सब कुछ, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ बताया कि किस यूनिटी में फैमिली रहती है। वो चीज मुझे काफी पसंद आई, तो उन्हें पूरी तरीके से एक अलग ही बताया कि नहीं, जिस तरीके से आपने देखा वो बिल्कुल नहीं है। तो उनकी, इनसे भी बातचीत होना शुरू हुई मैसेजेस में। तो ये बातें हुए, काफी बार बोलते रहे नहीं मैं करना चाहता हूँ, रेडियो मतलब क्यों नहीं हो रहे, ये सारी चीजें, ये करते हुए मैंने हाँ किया। फिर उसके बाद इन्होंने, जिस दिन हाँ किया था उसके 1 घंटे बाद, इन्होंने बोला कि आप किसी भी फैमिली मेंबर्स, क्लोज वंस को नहीं बताएंगे कि ये रिश्ता तय हुआ है, जब मैं बोलूंगा तब आप बताएंगे। फंक्शन होने के, और ये जो फंक्शन डिसाइड किए थे मेरे लॉज ने, विद इन 10 डेज के अंदर तिलक, एंगेजमेंट सारा फाइनल कर दिया था उन्हें 1 घंटे के अंदर। फंक्शन होने के 1 दिन पहले उन्होंने बोला कि अब आप सबको बताएंगे। तब भी ये वियर्ड लगा कि ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तब ये सबको एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट होने के बाद से मेरे नंबर सारे चेंज कर दिए। मैं फेसबुक अकाउंट नहीं बनाया था, उन्होंने बोला कि सोशल बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको, मेरा सवाल ये दूसरा है, क्योंकि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश ही नहीं देश के बड़े सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनकी बेटी है फालित, तो आपने इस पूरे, जब ये रिश्ता हो रहा था तो आपने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की छवि देखी थी, या मोनू पटेल की देखी थी, या फालित की देखी थी? इनकी देखी थी, किनकी? मोनू पटेल की देखी थी। नहीं, सवाल ये है कि मोनू पटेल के बारे में तो आपको जानकारी मिल गई थी जी, कि ये इनका क्राइम रिकॉर्ड है, और आप तो शादी से इनकार कर चुकी थी, तो फिर सवाल यही आता है कि फलित ने आपको कन्विंस किया अकॉर्डिंग टू यू, जैसा आपने बताया हमें,
करेक्ट और उसके बाद फिर आपने, जो कि आप बार बार उनके बड़े पापा का जो प्रहलाद पटेल है उनका जिक्र कर रही हैं, तो उनकी भी आपने छवि देखी थी कि वो एक अच्छे फैमिली से हैं या जो कुछ भी हैं, क्या किस पे भरोसा बढ़ता जाता है ना, चूंकि उस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। जिस हिसाब से इनके फैमिली ने, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ ने, जिस तरीके से इनकी फैमिली, पूरी फैमिली के बारे में जो दिखाया मेरे को कि ये हमारे घर में उठना बैठना ये सारी चीजें हैं, तो जब मैंने देखा कि घर का सारा सब कुछ, जो उनका रूटीन है, सारी बातचीत है, बिहेवियर है, इस तरीके से होता है, तभी मैं कन्विंस हुई थी, तभी ये चीज मेरे को पता चला घर के अंदर ये है कैसे, ये सारी चीजें। लेकिन मैं इन एक्चुअल बाहर नहीं जानती थी कि बाहर इस तरीके का इनका। जब मैं शादी के बाद रहने के लिए गई, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये है, लेकिन दिखाया कुछ और था, है कुछ और। अच्छा, एक चीज इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आती है नीतू जी, कि इन पूरे मामले में जो भी इंसिडेंट हुआ उसके मामले में कभी आपने प्रहलाद पटेल जी से बात की? चूंकि ये तो पारिवारिक लोग, यदि आप उन और बेहद सीनियर लीडर हैं, यदि आप उनकी जानकारी में सब लाते तो हो सकता था मामला कुछ चीजें ठीक हो जाती, व्यवस्थित हो जाती। जी, हाँ जी, किया, ये ये किया मैंने था? शादी के पूरे 1 साल होने के बाद, जब मैंने अपने फादर इन लॉ को, जब मैंने 1 साल के फादर बाद इन लॉ का नाम क्या? जालम सिंह पटेल, श्री जालम सिंह जी पटेल जी को मैंने बताया था शादी के पूरे 1 साल बाद, और उसके ठीक 3 दिन बाद मैंने ताऊ जी का उनसे समय लिया, ताई जी से उनका समय लिया। दोनों का समय लेने के बाद इनके घर, जो सैनिक सोसाइटी ताऊ जी जबलपुर, कौन से? ताऊ जी कौन? श्री प्रहलाद पटेल जी से, उन दोनों से मैंने अपॉइंटमेंट लिया। मैं उनके घर गई जबलपुर में, जी और वहां जाके मैंने अपना बताया, मैंने अपने घर, अपने अपने बॉडी के जितने घाव है वो मैंने बताया कि मेरे 3 दिन पहले के घाव है, और ये पूरे 1 साल से मैं, ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैंने उनके सामने सब कुछ रखा, तो उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ा और ये बोला कि मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम पूरे 1 साल तुमने ये सब सहा और तुम चुप रही, बाकी ये परिवार के लिए कलंक है, मैं इसको देखता हूँ। और उन्होंने उठते हुए ये बोला ताई जी से कि इसको ना जाने मत दो, इसको यहीं रहने दो। तो मैंने बोला कि नहीं ताऊ जी, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, मैं अपने घर कुछ दिन अपने घर रहना चाहती हूँ। तो बोलते कि ताई जी का नाम लेकर उनको बोला कि इसको थोड़ा समझाओ, वो चले गए वहां से। ताई जी ने मेरे को बोला कि देखो, अच्छा नहीं लगता है सोसाइटी में कि यहाँ पे सभी लोग देखे तुम वहां से छोड़कर आ चुकी हो, यहाँ पर हो तुम, यहाँ पे इतना आज तुम्हारी, तुम्हारे रिलेटिव्स बोलेंगे, खराब बोलेंगे। मैंने बोला कि ताई जी अब बस मेरी हालत देखे, मैं नहीं रह सकती ऐसे में, मुझे मुझे बस घर छोड़ा दीजिए, मेरे को जाना है। उन्होंने मेरे से कई बार फोर्स किया, लेकिन मैं उनके घर कभी नहीं रुकी। जितने भी पॉलिटिकल फंक्शन होते, जितनी भी पूजा पाठ होती, घर छोड़ने के मतलब, मैं 1 साल अपने ससुराल रही हूँ, 1.5 साल अपने मायके रही हूँ, और 1.5 साल जब तक रही हूँ, हर पूजा पाठ, जितने भी पॉलिटिकल ओकेशनली फंक्शन होते या कुछ भी होता है, उसमें जबरदस्ती मेरे को फोन करके बुलाया जाता है कि नहीं प्रेजेंट होना पड़ेगा। अच्छा, मैं बीच में रोक रहा हूँ। ये जब आपने ये प्रहलाद पटेल जी का आप नाम ले रहे हैं कि इनको आपने सब दिखाया और उनकी पत्नी को दिखाया जी उनके जबलपुर वाले घर पर, तो जी ये किस दिनांक की बात है, किस वक्त की, किस महीने की बात है, कुछ थोड़ा सा भी आप बता सकते जी ये ये करीब तारीख? मैंने 3 मार्च को फादर इन लॉ का घर छोड़ दिया था, गोटेगांव का घर मैंने छोड़ दिया था, और उसके ठीक 3 दिन बाद, कह लीजिए 5 या 6 मार्च को, 2017 की बात है दो हजार जी, 2017 को मैं ताऊ जी के घर जाके, वहां जाके मैंने अपना उनको सब कुछ सामने रखा। सत्रह और को ये घाव कौन से थे आपको उस वक्त, कम ये मारपीट हुई थी आपके साथ? जी, मेरे साथ मारपीट चार चार पांच पांच घंटे भी कई बार लगातार हुई है, और हर एक छोटी और बड़ी बात पे भी हुई है, और ये बात सारी, जितने भी घाव, ये सब कुछ मदर इन लॉ ने देखा है, मेरी सासू माँ ने सब कुछ देखा हुआ है। उन्होंने मेरी चोटों पे, घाव में दवाइयां भी लगाई है, और मैं जब तक वहां रही हूँ, मैं हर समय डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता था कि मेरे स्कार्स छुपा सके। मेरे को हमेशा फुल ड्रेस पर रखा जाता था कि मेरे स्कार्स नहीं दिखाई दे, कोई इंजरी दिखाई ना दे। नहीं तो प्रहलाद पटेल ने इसके बाद आपसे कभी ये नहीं कहा कि जब ये कलंक किसको बताते थे वो? कलंक अपने छोटे भाई के बेटे को, मोनू को बोल रहे हैं अच्छा, कलंक है। तो जब जी। सब कुछ बता दिया तो फिर उनने इस पूरे मामले पे आगे बढ़ के कोई फैसला नहीं किया? नहीं, उन्होंने कभी नहीं लिया, और ना ही उनको कभी एक शब्द मेरे सामने तो कभी नहीं बोला। और क्योंकि
इस बात का मुझे था कि कम से कम मैं उनके सामने बोल पाई। उसके बाद से उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके पास जाके ये सारी बातें कहने की। उसके कई महीने बाद जब मैं राजी नहीं होती थी कि मुझे किसी पूजा पाठ या मुझे किसी पॉलिटिकल फंक्शन में नहीं जाना है, तो जब घर वाले कोशिश कर लेते तो आखिरी में मेरे उन्हीं के ताऊजी का फोन आता था, बोलते आना पड़ेगा तुमको, पूजा में उपस्थित होना पड़ेगा ताऊ तुमको। जी कौन? ये मैं प्रहलाद पटेल जी की बात कर रही हूँ। वो पहले मेरे फादर पे प्रेशराइज बनाते, फिर मेरे पे बनाते कि मैं किसी का नहीं सुन रही, तो मैं अपने फादर का सुन के वहां पे मैं आऊं। मेरी तबीयत भी खराब होती है, मैं वॉमिटिंग भी करती हुई जा रही हूँ, लेकिन तो भी मेरे को जबरदस्ती गनमैन ड्राइवर भेज दिया जाता था, कुछ कपड़े भेज दिए जाते थे कि आपको आना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये सिलसिला 1.5 साल तक चलता रहा। 1.5 साल के इसी बीच में जब पहली बार पहली मीटिंग में तो मैं उनको बता चुकी थी अलग जाके, उसके बाद जब पूरे परिवार के सब लोग इकट्ठे बैठे थे तभी उनके मेरे उन्हीं के ताऊजी ने, प्रहलाद पटेल जी ने, मेरे से सबके सामने उनसे मेरे से पूछा कि नहीं तो तुम ये कब तक ये सिलसिला चलाने वाले हो, यहाँ ना रहना, उससे बात नहीं करना, उसकी तरफ देखना नहीं, अपने पति की तरफ देखना नहीं, बात नहीं करना। और तुमको क्या लगता है, क्या मैं तुमको रोटी बेलने के लिए इस परिवार में लेकर आया हूँ? तुम यहाँ पे वेयर हाउस संभालो, तुमको अगर रेडियो एफएम में देखना है रेडियो एफएम देख लो, और ये जिस रास्ते में चाहता है जाने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ना है इसमें। बस उन्होंने इतना बस बोला पूरे परिवार के सामने। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपने मदर इन लॉ के पास गई, मैंने बोला प्लीज मुझे मुझे अपने घर छोड़ दीजिए, मैं नहीं रह सकती, पूजा हो चुकी है, तो मुझे छोड़ दिया गया। ऐसे करते एक और बार मेरे जब भी मेरे फैमिली में, यहाँ मैं 1.5 साल जब तक रही तब तक मेरे पेरेंट्स ने कई बार कोशिश करी कि इनकी पूरी फैमिली से बात हो सके कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उन लोग ने कभी कभी भी कोई मीटिंग नहीं रखी, कभी भी बातचीत नहीं करी। उनके जो ताऊजी है हमेशा उन्होंने टाला, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, कभी उन्होंने समय नहीं दिया। एक बार बस हुआ था कि हम लोग जबरदस्ती उनके घर चले गए थे, मैं अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ गई थी बात करने के लिए, तो ताई जी थी और मोनू थे वहां पे, उनकी ताई जी और मोनू, तो उन्होंने साफ शुरू में बोला प्रहलाद पटेल की पत्नी जी, जी। वो और मोनू, वो दोनों बैठे थे, उन्होंने ताई जी ने बोला नीतू ये मीटिंग शुरू हो रही है, ताऊ जी इस मीटिंग में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका साफ कहना है कि लेकिन उनका साफ कहना है कि ये तुम जितनी भी यहाँ पे बातचीत होगी, तुम एक बार फैमिली में इन हो गई हो, आउट नहीं हो सकते हो, तुमको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा, तुमको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो मैंने वही सोचा कि बात करने का सेंस ही नहीं जब पहले ही निर्णय ले लिया गया है। तो ये सारी वहां पे थोड़ी बहुत ही बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि ये वापस आ जाए, मैं अच्छे से कर लूंगा, सब चीज कर लूंगा, लेकिन उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हमारे बीच में, मैं अपने घर आ गई वापस। अच्छा, तो एक चीज और, ये सारी चीजें हो गई। इस बीच में परिवार की कई बेटियां हैं, पहले तो आपकी दोस्त रही होगी, आपने उसको सब बताया ही होगा। क्या रहा उसके बाद ये सारे इंसिडेंट के बीच की आपने तो ये बताया, आमतौर पे ये बात होती है जब हमारे बीच कम्युनिकेटर कोई होता है कि तुमने ये बताया था और ये हो नहीं रहा। घर के सारे बच्चे देखते थे कि भाभी के साथ गलत हो रहा है, इस बदतमीजी के साथ बातें की जा रही है, सब चीज होते थे, लेकिन कभी किसी ने इनिशिएट नहीं लिया, कभी किसी ने बड़ों को बताया नहीं। और ये जब इनकी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ बताया कि नहीं, जो बड़ी बहन है, जो ताऊजी की बेटी है फलित पटेल, वो हम सबसे मिल चुकी है, वो सब कुछ जानती है, आपके सामने नहीं करती होगी। जब 2 साल तक ये सब मेरे साथ हो रहा था, तो मैंने एक दिन खुल के बात करी फलित से कि ये सब कह रहे हैं कि आप मिले हुए, आप जानते हैं मेरे सारी चीजें, तो बोले कि नहीं नहीं भाभी ऐसा नहीं है, मैं घर के बड़े नाराज हैं, इनसे बात करते हैं, सब चीज होता है, देखते हैं, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं करी उन्होंने अच्छा, जी, तो इन कभी सबों की एक्सेप्ट नहीं किया, जी। कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ सब इन्वॉल्व है। अच्छा, तो आखिरी बार आपकी मुलाकात के बारे में मैं जानूंगा, लेकिन उसके पहले ये जानता हूं कि कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, क्योंकि आपने कहा कि कई सारी दोस्त हैं, तो ऐसी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं जिनके नाम आपके सामने हैं या जिनको लेकर आपने मोनू पटेल को जानकारी आपके पास आई, क्या रहा क्या नहीं रहा? बीस करीब ऐसे 20-25 तो है ही, जो पच्चीस जी 20-25 तो मैं यूं ही बोल रही हूँ क्योंकि इनके काउंटलेस है। कभी मैंने प्रोस्टिट्यूट्स का सुना है, तो कभी किसी लड़कियों का सुना है, कई लड़कियों ने मुझे खुद अपने उठ के प्रूफ भी दे दिए हैं, और ये भी इतना भी कि आप अपने बेडरूम में जाके देख सकते हैं, ये टाल रखा है,
ये जो मैट रखी हुई है, ये मेरे साथ जाके शॉपिंग करी है, ये सारा सब कुछ लिया है, और ये बैठे हुए हैं, ये फोटो क्लिक करके भी भेज रहे हैं, साथ की भी फोटो भेज रहे हैं। मेरे साथ कभी हनीमून में नहीं गए, लेकिन उन लड़कियों के साथ ये गोवा घूम रहे हैं, सारी चीजें, टैटू बनवा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रग कर रहे हैं, एवरीथिंग। ड्रग में क्या लेते हैं, चलिए आपने बताया। ड्रग मैं ज्यादा तो नहीं जानती, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही फोटो देखी थी, क्योंकि इनके जितने भी साथ में कर्मचारी भी रहते हैं या गवर्नमेंट ड्राइवर होते हैं, स्पेशली इनके फ्रेंड्स जो इतना प्रोवोक करते हैं सब चीज करने के लिए, वो सब इनका साथ देते हैं, कभी किसी ने मुझे कोई सच्चाई नहीं बताई। ड्रग्स क्या लेते हो, मतलब ड्रग्स में क्या होता है? ड्रग्स में बहुत सारी प्रोडक्ट होते हैं, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि नहीं एग्जैक्टली मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। इनके मुंह से मैंने कुछ एसटीसी कुछ ऐसा ही कुछ सुना था। एस्टेफी हाँ एसटीसी समथिंग कुछ ऐसे ही सुना एस्टेफी था। यस एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ये सिर्फ एक ही बार कभी बातों बातों में जिक्र हुआ था इनके फ्रेंड्स के बीच में, तो मैंने सुना था, और जब इनकी गर्लफ्रेंड ने मुझे फोटो भेजी थी तो मैंने देखा था। कौन गर्लफ्रेंड रही है? शुमाइला वाहिद, प्राची चौहान इनके करंट में है, जो फादर इन लॉ को अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट क्वार्टर जो अलॉट हुआ है भोपाल में, E45 करके है, तो वहां पे हमेशा उनकी गर्लफ्रेंड्स रहती हैं, ये सारी ड्रिंक स्मोक सारा सब कुछ वहां पे पार्टी चलती है, एवरी वीक चलती है, और समीक्षा वर्मा भी थे, अमृत दुबे। अमृत दुबे, मुझे एक चीज जो जानकारी निकल के सामने आई है कि इतने दिन हो गए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, अब आपने सब गर्लफ्रेंड्स का भी गिना दिया है, सारी चीजें बता दी है मुझे, ये जो अमृत दुबे, मैं किसी और नाम पे बात नहीं कर रहा हूँ, अमृत दुबे करके जो लड़की है, युवती है, इसको लेकर कोई आपके बीच विवाद हुआ था या यही एक असल विवाद की जड़ थी, कहानी यहीं से शुरू हुई? क्योंकि इतना लंबा अरसा हो गया, सवाल नीतू सिंह ठाकुर पे भी है कि वो इतने समय तक चुप क्यों रहे, या फिर यही टाइम यही वक्त क्यों चुना गया? जी सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अमृत दुबे से मेरा कैसे हुआ, कि क्या एक ये यही सही गलती। है, ये बात सही है कि अमृत दुबे से ही इस पूरी कहानी में आप आगे बढ़े? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट भाग ये है कि आपके सामने उन दोनों ने इस पूरे मामले को लेकर कन्फ्रेस किया। जी क्योंकि शादी के ठीक 8 महीने बाद, 8-9 महीने बाद, जब मुझे ये पता चला अमृत दुबे से, जब मेरा कांटेक्ट हुआ पहली बार, तो उन्होंने बताया कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, मैं तो इनकी वाइफ हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपसे तो मेरी बात होती थी, लेकिन आपकी आवाज तो अलग लग रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो किसी लड़की नीतू से बात कर रही थी। तो बोलते कि ये तो मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में मोनू को लिया, मोनू को पता नहीं था कि मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। तो उन्होंने इनकी जो आपसी बात हुई वो मैंने सुना, मैंने सामने कन्फ्रेंट किया मोनू के कि ये क्या चल रहा है। तब तक मोनू ने मुझे सॉरी अमृत ने मुझे काफी सारी चीजें बताई थी, और उस बीच में इन लोग की बहस हो रही थी, और उन्हें ये भी बोला कि मोनू बताओ कि हम साथ में घूमते थे, हम सब चीज करते थे, तुमने मुझे कुछ दिन पहले कंसीव भी कराया था, अबॉर्शन भी हुआ है मेरा। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं ये सब झूठ है, सब चीज है। तो ये हमेशा बोलते थे कि मेरा इससे कोई अफेयर नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन तब तक अमृत ने मुझे अपनी फोटो सारी शेयर कर चुकी थी शादी के बाद, इनके घूमने फिरने की, साथ में इंटीमेसी की। इंटीमेसी ऐसे मतलब एक ही रूम में खड़े होके इनके अमृत के बाल सुखा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उसका टेक केयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने फोटो शेयर करी। और इस बात पे इन्होंने सॉरी बोला कि हाँ मैंने गलती करी, मुझे नहीं करना चाहिए था। अगले महीने मुझे फिर पता चला किसी और के साथ, फिर पता चला ये अभी भी है। इस तरीके से अमृत ने मुझे खुद आके बताया कि मेरे साथ ये अभी भी है, और आप क्यों हो इस रिश्ते में। मैंने बोला मैं वाइफ हूँ तो मैं क्यों नहीं रहूंगी। तो उन्होंने बोला कि ये तो मुझे झूठ बोलते हैं, बोलते हैं आपकी मर्जी है, आपको रहना आप करिए, उनकी है, प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। मोनू से मैंने कई बार डाइवोर्स के लिए जितनी बार बोला उन्होंने उतनी बार हाथ उठाया, और जब भी हाथ उठाते हैं तो मेरे इन लॉज मुझे घर जाने नहीं देते थे, हफ्ते भर के लिए रोक देते जब तक मेरी इंजरी मतलब ठीक ना हो जाए। इस तरीके से अमृत से मेरा कोऑर्डिनेट रहा, बातचीत होती रही, और इतने टाइम बाद हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं इतने टाइम बाद इसलिए ये मुद्दा ये इसलिए बात सामने आई, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, और 3 साल शुरुआती में मेरे को ना बातचीत करने, हर चीज में मेरी नजर रखी जाती थी, मेरे को कभी मैं मायके होती, ज्यादातर मैं ससुराल होती, इस वजह से मैं कभी मेरे को निकलने या बातचीत करने में नहीं करने दिया जाता था। तब 3 साल के बाद मैं 2019 को 19th of April को मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी गुड़गांव में, तब से मैं बाहर ही रही।
बाहर होने के बाद फिर जब उसी साल जब 2019 की फर्स्ट दिवाली पड़ी थी जब मैं आई तो मैंने अपने लॉस को इनवाइट किया था कि प्लीज आप आइए, मुझे खुल के बात करनी है, क्लियरली बात करनी है। 4 साल वैसे ही निकल चुके हैं तो वहां से कोई नहीं आया, सिर्फ फादर इन लॉ है श्री चालन सिंह जी पटेल जी बस आए। उनसे मैंने अकेले में बात करने के लिए बोला तो मैंने बोला कि पापा जी मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुमको ये तुम्हें अब फिर क्या, तुमको क्या फिर से जाग गया, तो तुम बड़ी नौकरी तो कर ही रही हो तो करो। तो मैंने बोला पापा जी देखिए ये सारी फोटोज है वीडियोज है आपके सामने, सारे सबूत मैंने पिछली बार भी आपके सामने रखे थे, इस बार भी रख रही हूँ, बस मैं नहीं रहना चाहती, बहुत हुआ। तो उन्होंने बोला कि देखो इस बार तो तुम्हारी जुबान पे ये शब्द आ गया, अगली बार से नहीं आना चाहिए। और उन्होंने बोला कि क्या तुम जानती कि तुम्हारे ना फादर ये राजनीति और ये सब। मैंने बोला पापा जी आप लोग की राजनीति अलग है, मेरा मेरी लाइफ अलग है, आप दोनों को एक साथ मिक्सअप मत करिए, मैंने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है, आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए, आप लोग को जैसे भी करना है। तो उन्होंने बोला कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे तुम ये सब हो जाने के बाद मैं तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ मैं। तो फिर मैंने क्या बोला करने की बात कही उन्होंने? तुम्हारे ये सब हो जाने के बाद तुम मैं जान सकता हूँ कि तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, उन्होंने ये बोला। जी फिर आपने क्या बोला, क्या कर सकते हैं? मैंने बोला कि पापा जी इन्हीं सब के साथ मैं इनके नाम की कंप्लेंट मैं दिल्ली में भी करने वाली हूँ कि मैं सेफ नहीं समझती हूँ, अकेली रहती हूँ मैं। तो उन्होंने बोला क्या ये सब करने के बाद वो बचेगा। तो मैंने बोला पापा जी यहाँ पे भी आपने इनका सोचा, मेरे बारे में सोचा होता तो ने बोला कि ऐसा क्या कर देगा तुम्हारे साथ। मैंने बोला पापा जी आपके सामने भी कितनी बार हुआ है ये मेरे साथ, इतनी मारपीट में सब कुछ आपके सामने रख चुकी हूँ, जब इंसान घर में इतना मारता है तो बाहर मरवाने में कौन सी बड़ी बात है। तो बोलते तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो सब चीजों के, तुम शांत हो जाओ, जितना तुम्हें रहना 10-50 साल तुम्हें ये शब्द नहीं आना चाहिए, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन तुमको जाने नहीं निकलने नहीं मिलेगा यहाँ से। ये बोल के वो चले गए। उसके बाद से मेरी कभी कोई बात नहीं हुई। मैंने उसके नेक्स्ट ईयर मैंने ये केस अप्लाई किया, 1.5 साल हो चुके हैं मेरे इसमें डोमेस्टिक और डाइवोर्स में दोनों में 6-6 हियरिंग्स हो गई, लेकिन वो कभी अपियर नहीं हुए, ना ही उन्होंने कोई एडवोकेट अपॉइंट किया। मैंने लास्ट मंथ 5th of January को मैंने FIR के लिए कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, लेकिन वहां थाने से भी मुझे आज तक कभी कॉल नहीं आया। मैं इसलिए मीडिया में आई क्योंकि मेरी सारी होप खत्म हो चुकी है। मैंने हर तरीके से मैंने मैंने जितना हो सके घर में उस घर में सफर किया, मैंने शान मैंने हर तरीके से एक मौका दिया कि आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए, ठीक हो जाइए। बड़ों को सारी सबके सामने बात रखी, उनके कहने पे सब कुछ किया। उसके बाद मैंने न्यायालय का भी गेट खटखटाया कि हाँ मैं मुझे कोर्ट के थ्रू मुझे इसका जस्टिस मिले, मुझे इसमें भी कोई हियरिंग्स में भी कभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं चीज नहीं हुआ। तो मेरा फाइनली मेरा ये हुआ कि शायद मैं मीडिया के थ्रू जाती हूँ तो मुझे फाइनली डिवोर्स मिले, क्योंकि मैं कुछ मंथ पहले की बता रही हूँ, लास्ट ईयर जुलाई में मुरू ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, उन्होंने मेरे को साफ बोला था कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ और मैं ये जितना भी है मैं ठीक है मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन तुमको अगर तुम किसी रिलेशन में जाओगे शादी करोगे मैं वो तुम्हें करने नहीं दूंगा, और तुमको जितने सेक्शन लगाने तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जेल भिजवाना कर लो, लेकिन मैं तुमको डाइवोर्स नहीं दूंगा। उसके उनने फोन रखा, उसके बाद मैंने उनको कई बार कॉल किए, मैसेजेस किए, लेकिन उन्हें कभी रिप्लाई नहीं किया। जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने मीडिया में इनिशिएट लिया। नहीं, ये सब बातें। फिर आपने फाइनली जो उनके बड़े फादर हैं, जैसे उनने अपने समस्याएं ली, तो आपने एक बार ये नहीं सोचा कि उनसे एक बार बात की जाए, हो सकता है एक बार फिर और चीजें ठीक हों, दुरुस्त हों? जी जब मैं 3 साल के बाद मैं नौकरी के लिए यहाँ पर आई तो मेरी फैमिली ने उनको कई बार कांटेक्ट किया, स्पेशली किसको? मेरे उनके ताऊ जी को श्री प्रहलाद पटेल जी को हाँ मेरे फादर ने कई बार कॉल किया कि आप मीटिंग रखिए, मुझे आपसे बात करनी है, मेरी बेटी बाहर अकेली नौकरी कर रही है। उन्हें कई बार किया, जब उन्हें जितनी बार वो मीटिंग करते हैं हाँ ठीक है आप दिल्ली आ जाओ बात करते हैं, वो दिल्ली मेरे पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं वो वहां से चले जाते हैं, मेरे को काम आ गया मैं वहां जा रहा हूँ। जब ये होते होते लास्ट टाइम ये हुआ था कि उन्होंने बोला कि सब आ रहे हैं परिवार आ रहे हैं आप आ जाइए, मेरे फादर वहां पहुंच गए, जब भी वो बात करते मेरे फादर तुरंत पहुंच जाते कि यहाँ पे फाइनली बात होगी। जब उन्हें उन्हें के लिए वहां मेरी मदर को भी लेकर आए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, यूजुअली नहीं रहती है, तो फिर उनको लेकर वहां पहुंचे और उस टाइम पे प्रबल के ऊपर केस हो गया था और ये फरार हो चुके थे कुछ मंथ्स के लिए। तो उन्होंने बोल दिया ये रीजन देखे तुमको समझ में नहीं आता कि इस समय क्या माहौल चल रहा है और तुमको ये बात सूझ रही है, बस उन्होंने ये कह के बस फोन कट कर दिया। और मेरे फादर को भी ये रीजन देखे कि नहीं मेरा घर में मेरा पारिवारिक ये सब चल रहा है मैं नहीं दे सकता समय। जब आपके घाव देखे थे उन्होंने, तब तो जी उनको तकलीफ हुई होगी। बस उन्होंने यही बोला
मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ शुक्रगुजार हूँ कि तुमने पूरे 1 साल तक बर्दाश्त करने के बाद कुछ नहीं बोला। बस बस इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। फिर इन सब के बीच में उनकी क्या भूमिका मानती हैं कि वो ठीक कर सकते थे चीजें या क्या हो सकता था? ये मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है उनके पूरे परिवार में सबसे ज्यादा अगर किसी बात मानी जाती है, स्पेशली मेरे पति जो मोनू पटेल हैं, वो उन्हीं की ही बात सुनते हैं, अपने फादर से ज्यादा उनकी बातें सुनते हैं। अगर वो कहते हैं तो चीजें जरूर ठीक होती, वो इनिशिएट लेते जरूर चीजें होती। क्योंकि ये जो शादी का रिश्ता हुआ है, मेरे फादर इन लॉ और ताऊ जी की पुरानी बातचीत थी, इस वजह से ये रिश्ता शुरू हुआ था। मतलब प्रहलाद पटेल को देखकर आपके फादर ने आपको उस परिवार में सौंपा था। जी, क्योंकि इनके फैमिली में जो था कि हाँ ये एकता बहुत अच्छी है, दोनों फादर्स का बहुत अच्छा है, मतलब अपनी फैमिली में ताऊ जी, बड़े ताऊ जी, दादा दादी का ख्याल रखना, ये सब चीज देखते हुए, एक यूनिटी को देखते हुए। आपने आपने उनको अपने सारे जख्म दिखाए थे जबलपुर वाले घर पे? मैंने सिर्फ एक ही मीटिंग में उनको दिखाया था, उसके बाद मैंने कभी नहीं दिखाया उनको। उन्हें देखे नहीं सब? जी, मैंने मेरे हाथ में, मेरे गले में और जितना ऊपर कपड़ों के ऊपर दिख सकता था उतना मैंने दिखाया उनको। और चेहरे पे मेरे तो वही निशान है जो आप लोग फोटोज देख रहे हैं। तो वो निशान आज भी हैं? नहीं, वो लेकिन मेरे चेहरे में वो गड्ढे अभी भी हैं जो थे, निशान जा चुके हैं लेकिन गड्ढे अभी भी हैं। वो काय से मारने के हैं? ये इन्होंने नाखून से दबाए हैं, इन कुछ भी मिलता है, कोई भी कॉस्मेटिक, कोई क्रीम रखा हो, कुछ भी रखा हो, ये हमेशा नाखून गड़ाते थे, बहुत ज्यादा थप्पड़ मारना। और जब पहली बार इन्होंने मुझे मारा था तो पेट में कभी भी लाते मारना, मेरा सर पकड़ के कांच में दे मारना, मतलब कांच फूटते चले जाते थे, ये लगातार मुझे मारते जाते थे, कपड़े फाड़ देना, मेरे सामने के बाल उखाड़ देना, इस तरीके का मारना होता था। तो कभी ये सब चीजें आपने फोटोग्राफ नहीं लिए इन सब चीजों के? तो इससे पहले ही मेरा फोन तोड़ दिया जाता था, मेरी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी फोन छूने, क्योंकि वहां पे मुझे फोन एक टाइम के बाद नहीं दिया जाता था। जब मारपीट होती थी हर शाम इनके पास मेरा फोन होता था और मेरी फैमिली में बताने के लिए साफ मना कर दिया जाता था। और सबसे सनसनीखेज बात जो निकल के सामने आती है नीतू जी, वो ये है कि ड्रग्स जो लेते थे ये, तो वो कैसे लेते थे? कुछ और बातें भी मैंने सुनी है जो मैं आपसे ही सुनना पसंद करूंगा, क्योंकि इस पूरे मामले में विक्टिम आप हैं। तो जी, क्या रहता था लड़कियों के साथ, कैसे ली जाती थी ड्रग्स? मेरे ड्रग्स ड्रग्स को लेकर बस मैं इतना कहूंगी, सिर्फ मैंने एक बार फोटो देखी थी शुमाइला वाहिद के थ्रू भेजी गई फोटो की किसी बात के कर रहा हूँ। ऊपर बताया गया था कि ड्रग्स किसी महिला के ऊपर ली गई है? जी, मैं वही बता रही हूँ, उनके थाइस के ऊपर वो ड्रग्स रखे हुए थे और उसको सूंघ रहे थे वो, बस वो एक ही फोटो देखी थी मैंने। वो फोटो आज है आपके पास? नहीं, आज नहीं है, क्योंकि उसी समय मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया था, मेरी आईडी हटा दी गई थी। अच्छा, तो जी, आज आपके पास इस पूरे मामले में क्या एविडेंसेस हैं? ये सारी चीजें एक महज आरोप है या ये सारी चीजें फुल फ्लेजेड प्रूफ कुछ एविडेंसेस हैं आपके पास? इनकी फ्रेंड, इनकी गर्लफ्रेंड्स के जितने भी साथ में रहते हैं, हाथ में कंधे में हाथ डाले हुए हैं, साथ में घूम रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन सबके सारे फोटो एविडेंस सब कुछ है मेरे पास। यहाँ तक कि इनको जो गवर्नमेंट अलॉट किया गया है, जो क्वार्टर्स इनको अलॉट किए गए हैं भोपाल में, उस घर में भी जो एक्टिविटीज होती है उन सबकी भी सारी फोटोग्राफ्स हैं। इनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स ने मुझे जिस तरीके से बदतमीजी से बातें करी, जो प्रूफ्स इन्होंने दिए हैं, एज इट इज मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। और मैंने कोशिश करी थी कि जब ये वायलेंस कर रहे हैं मेरे साथ कि मैं वीडियो बनाऊं, इतनी हिम्मत ही नहीं आई, क्योंकि वो शायद मेरे को जिंदा ना छोड़ते उस वक्त। वायलेंस किस किस तरीके से हुए? और वायलेंस हाथों के द्वारा ही हुए हैं, मारपीट करी है, पेट में लात मारा है, चेस्ट में मुझे लगातार हिट किया हुआ है, कुछ इन नेचुरल, एज इन कुछ मतलब इन नेचुरल वायलेंस जो आप बताना चाहो, जिसका आप जिक्र करना चाहो? हेलो, इन नेचुरल तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हाथ के थ्रू ही किया है, कभी कॉस्मेटिक या अभी कुछ भी सामान मिलता बस उससे फेंक के मार देना, या बस गर्दन उठा के कभी भी बैग के अंदर मुझे बस पटकते जाना। और सबसे बड़ी धमकी कि लो, ये इलेक्शन का टाइम है तो घर से निकल नहीं सकती, महीने महीने भर मुझे घर में बांध के रखना, और फिर
पैसों के लिए भी प्रेशराइज करना कि घर से जाके पैसे लेकर आओ। खुद लेकिन क्यों, जी क्या और कुछ ऐसी बात हो जो आपके इनर सोल में हो, जो जो दिमाग में हो, जो याद आती हो? मेरे को वो शादी सिर्फ एक वायलेंस ही लगती है, मेरे को और कुछ उसके अलावा कुछ अच्छा ही दिखती ही नहीं, उसमें कुछ भी याद नहीं आता इसमें। और उस पूरे परिवार के सदस्य, चाहे जितने भी लोग हों, वो सब क्या लगते हैं? शुरू में लगता था कि सब साथ में हैं, सब सुन रहे हैं मेरी, कर रहे हैं, मैं उनके लिए कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ। मैं 1 साल तक इसलिए चुप रही कि शायद हो सकता है बचपन से ही अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करे हो, तो एक उनका ये माइंडसेट है कि शादी हो जाएगी तो ये इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तो ये सारी एक्टिविटी इनका घर में रहना शुरू हो जाएगा। ऑल्दो मेरे इन लॉज को पहले से पता था कि इनके सारे अफेयर्स हैं, क्योंकि कुछ महीने जब मैं शादी हुई थी, कुछ महीने बाद जब मैंने इन लॉज के रूम की क्लीनिंग करती थी, तब मुझे वहां पे डायरी मिली थी जो इनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स के पुराने कार्ड्स थे, तो ये सब रखने का तो सेंस ही नहीं था। और मुझे काफी टाइम बाद पता चला कि मेरे इन लॉज को पहले से पता था कि इनके अफेयर्स हैं। और मेरे वियर्ड चीज ये थी कि मैं इनके सामने बात रखती जा रही हूँ, सारे प्रूफ रखती जा रही हूँ, उनमें डिनाई करते चले गए और शांत रहने के लिए मेरे को अच्छा, इन बोला। सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं पूछता हूँ, मीडिया की आपने मदद ली है, सवाल ये है कि ये सब चीजें आप किसी और फोरम पे भी रखना चाहते हो? क्योंकि नेचुरल सी थिंक है कि एक बड़ा परिवार है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर भी आरोप है, उन्होंने आपकी सुनी नहीं, वो यदि सुनते तो समस्या हल हो जाती, तो किसी और फोरम पे भी जाएंगे क्या इस पूरे मामले को लेकर? आप क्या कभी आपने ये सोचा था कि मैं सब प्रधानमंत्री के सामने रखूं या किसी और प्लेटफॉर्म पे बात उठाऊं? क्योंकि क्योंकि आपने एफआईआर रजिस्टर्ड की है, जैसा आपका आरोप है कि उस एफआईआर पे पुलिस ने कितने कितना वक्त हो चुका है, मैं भी ये जानना चाहूंगा, और उस पर अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। जी मैंने एफआईआर की कंप्लेंट करी थी 5th of January दिस ईयर, टू यही थाउजेंड अच्छा, ट्वेंटी टू करेक्ट 2022 को, ठीक जी, है। 5th of January को, और कंप्लेंट करी थी। उन्होंने बोला था कि हम आपको फोन करेंगे इसके लिए, क्योंकि हम आपके हस्बैंड को इन्फॉर्म करेंगे, विद इन अ वीक आपको कॉल करेंगे, हम अपने आपके हस्बैंड को कॉल करेंगे, अगर एक दो बार में नहीं आते मीडिएशन सेंटर के लिए तो हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन तब से लेकर आज तक कभी कोई कॉल नहीं आया पूरा 1 महीना होने पर आ रहा है, तो जी। अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि अब आप अगला क्या करने जाने हैं, जो मैंने दूसरे और बातें की आपसे? जी मेरा बस यही है कि मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं बस इस रिश्ते से निकलना चाहती हूँ, मैं आगे अपनी लाइफ देखना चाहती हूँ। जैसी स्थिति अभी है, आज की तारीख में भी जस की तस है, लेकिन अब आगे क्या, यदि चीजें नहीं सुलझती हैं तो आप किसकी मदद लेंगे और क्या करेंगे करने वाले इस पूरे मामले में, किससे उम्मीद है आपको? मेरी एक लास्ट होप यही मीडिया था कि मैं मीडिया के थ्रू मैं बताऊं कि मैं गलत किया इन लोगों ने, बस कैसे भी करके मुझे इस रिश्ते से बस आजादी दे, मैं बस निकलना चाहती हूँ। देश मैं में नहीं जानती हुई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये कहाँ तक बात जाएगी, इनके पॉलिटिकली टर्म्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने कभी इसके पहले कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई, कहीं और शिकायत देखी? कि आमतौर पे होता है, मैंने उनको पर्सनली ईमेल डाला था तो इस पूरे मामले में हल हो जाए कुछ, या जानकारी पहुंच जाए। जी जब मैंने अप्लाई किया था 2018 में, सॉरी 2020 में जब मैंने ये केस अप्लाई किया था, तब मेरे लॉयर वरुण सिंह ठाकुर ने, उन्होंने 4 लोगों को ये लेटर प्रिंट आउट किया था प्राइम वरुण मिनिस्टर सिंह मोदी ठाकुर को। जबलपुर, जी वरुण सिंह ठाकुर जबलपुर के लॉयर? नहीं, ये दिल्ली में है, वैसे ओके 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 बेसिकली दमोह से हैं ओके जी। तो वैसे मेरे लॉयर ब्रिजेश हैं, लेकिन इसको पूरा इस केस को ओवरलुक पूरा वरुण सिंह ठाकुर कर रहे हैं, जो कि इनके अंडर में काम तो कर क्या रहे हुआ हैं था फिर? जी। तो उन्होंने जो मेरी कंप्लेंट्स है उसका एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया रहा था, और उन्होंने 4 लोगों को पोस्ट किया था, श्री मोदी जी को किया था, ये और कब किया प्रेसिडेंट आई गेस ये था? एक ट्वेंटी साल ट्वेंटी पहले, वन जी 2021 में जैन या फैब में किया था जनवरी में, जनवरी जी। इसकी रिसीविंग भी मेरे पास है 2000,
जनवरी या फेब में क्या, मेरे पास एग्जैक्ट मंथ की अभी मुझे याद नहीं है, मैं आपको फॉरवर्ड कर सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद नरेंद्र मोदी को भी शिकायत की गई थी इस पूरे मामले, प्रधानमंत्री जी को। जी, प्रधानमंत्री जी को भी वहां ये ड्राफ्ट किया गया था, प्रेसिडेंट को किया हुआ था, और यहाँ वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में किया था। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को? नहीं, उनको नहीं किया था, क्योंकि उनके और मेरे लॉस के टर्म्स काफी अच्छे हैं, तो मैंने उनको इस चीज में इन्वॉल्व नहीं किया था। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ये सब अपनी शिकायतें, और आप बीती पूरा उसमें जिक्र होगा मुझे लगता है, जो जो अभी तक का हुआ है, यही था? जी, पूरा नहीं था, मेरी सिर्फ फर्स्ट कंप्लेंट की इन्फॉर्मेशन थी। तो उधर से कोई रिप्लाई आया आपके पास? नहीं, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। तो दूसरा ये जानना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और उसके बाद उनको जो है कुछ विभाग उनके कम किए गए थे, ये पूरी शिकायत के बाद उसको कुछ देखते हैं क्या, कुछ पॉलिटिकली सिनेरियो में कि ये कम नीचे आए थे उसके बाद, ऐसा सॉरी, मैं आपका कुछ? सवाल समझ नहीं पाई हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो की जानकारी प्रहलाद पटेल को थी क्या, कि हाँ आपने जी, कंप्लेंट की है प्रधानमंत्री को, उन्हें नहीं पूछा आपसे? नहीं इस बारे में मेरे ससुराल वाले से 3 साल से मेरे और मेरे फादर के बीच में कभी इस केस को लेकर रिलेटेड बात नहीं हुई है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ हमेशा मेरे फादर को कांटेक्ट करते रहे। उन्होंने बोला ये इसने गलत किया है, उसको ये कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, मुझसे प्रधानमंत्री को जो की थी, नहीं, उस चीज के बारे में मेरे पूरे इन लॉज को किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी, मैं फर्स्ट टाइम इस आपके सामने बात रख रही हूँ। अच्छा। नहीं, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ था तो उनके ड्राफ्ट कम हुए थे, थोड़ा सा उनका पोर्टफोलियो कम हुआ था, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो इस कंप्लेंट के बाद ही हुआ था क्या पोर्टफोलियो कम उनका? ये जो 2019 में हुआ था या 20 में, अभी अभी हुआ था 20 में। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो मैंने कंप्लेन करी है, क्या उसके उसकी वजह से इस पे वेटेज हुआ है? हाँ। नहीं, ये तो मैं शायद नहीं होगा ये चीज। ऐसा आपको ऐसा अंदाजा होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने उनको कंप्लेन करी है शायद उन तक नहीं पहुंची है, क्योंकि मैं ही उम्मीद करती हूँ अगर उन तक पहुंची है तो वो इसको डिनाई तो नहीं, इसको इग्नोर तो नहीं करेंगे। मेरे को कौन वही लग रहा है कि शायद उन तक नहीं पहुंची है। कौन था? मैं श्री प्रधानमंत्री जी की बात कर रही हूँ जी और जी प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ, जी उन तक शायद नहीं पहुंची है। नहीं तो उन तक नहीं पहुंची है तो आपके पास तो रिसीविंग होगा ना इसका, कि उन तक की कंप्लेंट पहुंच गई। हम मेरा और मेरा मानना है कि जो भी हम किसी को डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसकी एक रिसीविंग कॉपी हमारे पास जरूर आती है कि हमारी कंप्लेंट जो है रिसीव हो गई है, चाहे कहीं से भी हो। डिस्पेच कॉपी तो आती है कुछ की, और रिसीविंग कॉपी भी आती है जितनी मेरी जानकारी कहती है। क्योंकि मेरे को लॉयर ने कभी इस बात का नहीं बताया मेरे को कि रिसीविंग आया है। मैंने क्योंकि कई बार उनसे पूछा भी, बोलते कि नहीं, ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमको। चलिए नीतू जी, बहुत शुक्रिया News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com से बात करने के लिए आपका। थैंक यू सो मच।